नमस्कार दोस्तों, सीखे समझे आयुर्वेद की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो नुस्खा बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा थोड़े देर में। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है दोस्तों कि ये मैंने बादाम का तेल लिया हुआ है, ये आंवले का रस है। आंवले का रस आप सुखा कर उसको अच्छे से गीला करके उसमें से आंवले का रस निकाल सकते हैं। याद रखें कि ये बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से निकाला हुआ रस हो। और ये नींबू लिया हुआ है दोस्तों। अब मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों, बादाम का तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए। इसमें बहुत सारे खनिज और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए एकदम ज़बरदस्त होते हैं, और साथ में ये हमारे बालों को काफ़ी मजबूती देता है। हमारे सिर पर जो खून का जो बहुत अच्छे से तरीके से जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है, इसीलिए बालों का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये दोस्तों आंवले का जूस, आंवले का रस आपने देखा होगा भारत में काफ़ी प्रचलित हो रहा है धीरे धीरे। इसके बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। आंवले का जो रस है उसके फायदे ये हैं कि ये बालों ने जो भी भूरा रंग होता है या फिर सफ़ेद होने से उनको रोकता है, बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को बड़ा करता है, मतलब आपके जो बाल हैं अगर छोटे हैं तो उसको बड़ा करने में मदद करता है तेज़ी से, क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी मदद करता है। इस पर भी बहुत सारे आंवले के रस में भी बहुत सारे ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए। अब दोस्तों नींबू, नींबू का तो क्या बताऊँ दोस्तों, जो नींबू के फ़ायदे हैं वो इतने सारे हैं कि जिसका बहुत सारी दुनिया में यानी कि भारत में भी लोगों ने पता लगाया हुआ है। तो नींबू के रस में ये फ़ायदा है कि दोस्तों जब भी आप अपने बालों में लगाएंगे तो जो रूसी से आपकी जो खुजली होती है, जो डैंड्रफ जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी आती है। आप जैसे ही लगाएंगे नींबू, ये जो मैं अभी आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, तो आपके बालों में जब अगर रूसी होगी तो आपको अलग से जो है वो पता चलेगा कि पूरी रूसी निकल रही है, खुजली होगा, जलेगा थोड़ा सा, लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि वो आपके पूरे जो बाल है उसमें से जो भी डैंड्रफ वगैरह गंदगी वो निकालेगा जो आपके स्काल्प में रहता है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे, बालों का रुकना कम होगा, बालों का झड़ना कम होगा, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो रुक जाएगा और बाल काले होने में काफ़ी मदद करेगा, बाल आपके बढ़ेंगे भी। तो आइए देख लेते हैं किस तरह से इसे बनाना है दोस्तों। ये नींबू है, मैं इसे कट कर लेता हूँ दोस्तों नींबू को पहले। ये देखिए, मैंने नींबू को कट कर लिया है। अब मैं नींबू में लगभग, ये मेरे पास स्क्वीज़र रखा हुआ है जिससे मैं स्क्यूज करता हूँ इसे। ये नींबू को मैंने इसमें ले लिया है दोस्तों। अब मैं इसमें देखिए डाल दिया हूँ, ये नींबू इतना ही आपको लेना है दोस्तों जितना आपके बालों में पूरी तरह से आ जाए। जितनी मात्रा में मैंने नींबू का रस लिया है उतनी मात्रा में मैं इसमें आंवले का रस मिला देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इतनी मात्रा में मैंने आंवले का रस मिला दिया है। अब मैंने ये जो है बादाम का तेल है, ये भी बादाम का तेल भी मैं उतनी मात्रा में इसमें मिला देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसमें मिला दिया है मैंने। अब आप चाहें तो इसे चम्मच से घोल लें, या फिर कि आप इसे जो हमने नींबू निकाला हुआ है वही नींबू आप इसमें चाहे तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। पूरी तरह से मिक्स कर लें दोस्तों, एकदम अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, मैंने पूरी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये बहुत ही बेहतरीन लाप बन चुका है दोस्तों, लेप जिसे कहते हैं, जिसे मिश्रण कहते हैं हिंदी में। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यही सेम चीज़ आपको, या तो आप चाहें तो इसे ऐसे नींबू में ही लेके आप अपने स्काल्प में लगाएं, और स्काल्प में लगाने के बाद 15 मिनट बाद इसे धो लें। इससे बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, अगर आप लगाएंगे हफ्ते में 2 या 3 बार लगाएं, या फिर 3 बार या फिर 4 बार लगाएं, इसके फ़ायदे होंगे। इसके जो भी आपके फ़ायदे होते हैं दोस्तों, इसको कमेंट में आप अवश्य लिख के भेजिए, मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे विधि आपको बताते रहूँगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।